वालेकुम अस्सलाम जी अमित साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अभी इस वक्त पे हमने वॉशिंगटन में आप बैठे हुए, वी वांटेड टू नो कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने बड़े वाजे तौर पे कहा है कि वी आर लुकिंग फॉर फ्रेंडशिप नॉट जस्ट फॉर डॉलर्स, और दैट पाकिस्तान जो है ऑन इट्स ओन इज वेरी केपेबल, और वो जो है तमाम दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान में चाहता है। तो ये जो ब्लेम गेम फिंगर पॉइंटिंग चल रही है, इस पर अमरीका जितना प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान के ऊपर इज नॉट गोइंग टू वर्क, स्पेशली अब जबकि सीपैक का जो है ये मैसिव स्केल पे पाकिस्तान पे काम हो रहा है। अभी इस वक्त पे वॉशिंगटन में क्या, व्हाट इज द टेम्परेचर? देखिए, वॉशिंगटन में एक बयान से टेम्परेचर ना ऊपर आता है ना नीचे जाता है। बात ये होती है कि दोनों ममालिक के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, और उस इंटरेस्ट के हवाले से नेगोशिएशन भी होती है, बातचीत भी होती है, स्टेटमेंट्स भी आते हैं। हमारी जो कोशिश है, हमारे स्टेटमेंट्स देखें तो हम ये इंडिकेट करते हैं कि भाई आपका प्रेशर काम नहीं करेगा, अगर आप मुज़ाकरात करनी है तो अपने इंटरेस्ट की बातचीत के साथ हमारे इंटरेस्ट का भी ख्याल रखें, वरना हम प्रेशर नहीं लेंगे। अमेरिका की जो पोजिशन है वो ये है कि अमेरिका ये समझता है कि अफगानिस्तान में अगर पाकिस्तान अपनी साइड से प्रेशर डाले और हम वहां से डालें तो शायद हम तालिबान को शिकस्त दे सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि किसी तरह पाकिस्तान इस प्रेशर डालने में उनको ज्वाइन कर ले। अब इसमें जो है ना वो गेम है जो हु ब्लिंक्स फर्स्ट। अब उसमें मेरा ख्याल ये है कि बीच का कोई रास्ता निकलेगा, इसलिए कि अभी तो ट्रंप इंतजामिया जो है वो पूरी कोशिश करेगी मिलिट्री विक्ट्री की अफगानिस्तान में, बॉम्बिंग भी बढ़ाएंगे, ड्रोन स्ट्राइक भी बढ़ाएंगे, और उसके बाद जब नतीजे नहीं आए, इसलिए अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां जीतने को कुछ नहीं है। आप किसी मुल्क में जाते हैं तो एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होता है, जब वो क्लैप्स कर जाता है आप जीत लेते हैं। अफगानिस्तान की को एडवांटेज ये सब कभी कोई सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर नहीं रहा, तो कोई चीज क्लैप्स करने को है ही नहीं, आपको हर ट्राइब और हर एरिया के लिए लड़ना पड़ता है। तो कुछ दिन बाद फिर ये ट्रंप इंतजामिया भी रियलाइज करेगी कि देयर इज नथिंग टू विन है, तो फिर वो बातचीत की तरफ आएंगे और उस वक्त पाकिस्तान की भी सुनी जाएगी। इसमें फिर एक इंडिया का भी किरदार है। इंडिया जो है वो ये समझता है कि एक अच्छा मौका है पाकिस्तान को किसी तरह अंडर प्रेशर लाके पाकिस्तान के खास तौर पे जो पोजीशन है कश्मीर पे उसको कमजोर किया जाए, तो वो अपना फायदा उठा रहा है। और चूंकि एक जो कंटेन चाइना पॉलिसी में इंडिया का किरदार है, इस वक्त अमेरिका इंडिया की बात सुन रहा है, लेकिन एक ऐसे स्टेज आएगी जो वो भी रियलाइजेशन होगी कि वो भी काउंटर प्रोडक्टिव होती जा रही है। तो इसमें जीरो सम गेम नहीं है बाहर ये लगता है, लेकिन दोनों साइड जो है कुछ लेने और जीतने की बुनियाद पे किसी समझौते पे आएंगे। ठीक है जी, कमिंग बैक माय क्वेश्चन टू यू वुड बी कि जहां तक ताल्लुक इंटीरियर मिनिस्टर साहब का है, उनको सो फार जो है वो वार्मली रिसीव किया गया है, व्हाट आर दी एक्सपेक्टेशंस इन द नेक्स्ट डे और टू कि इस विजिट से इनकी कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, कौन सी मसरूफियात हैं और आउटकम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, ये विजिट जो थी ये प्राइवेट नेचर की विजिट थी, वो आए थे यहाँ जो जिसके लिए यहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी भी आए हैं, वो होती है यहाँ प्रेयर ब्रेकफास्ट। प्रेयर ब्रेकफास्ट का ताल्लुक न यूएस हुकूमत से होता है ना कांग्रेस से होता है। यहाँ एक काउंसिल ऑफ चर्चेज है वो करती है ये होल्ड, और उसमें आता है, अलबत्त आपको उसे मौका मिलता है लोगों से मिलने का, बातचीत करने का। तो उन्होंने इस सिलसिले में बातचीत की, फिर उन्होंने ये भी एडवांटेज उसका उठाया कि उन्होंने जो ट्रंप इंतजामिया और कांग्रेस में कुछ अलग अलग लॉ मेकर्स से भी मुलाकात की, तो सब कुछ मिला के एक कोशिश है जो मुसलसल कोशिश का जो हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, उसका एक हिस्सा है। इस विजिट के नतीजे में अगर आप ये समझते हैं कि बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी यूएस पाकिस्तान नेशन में, तो ये गलत है। नहीं, अमित साहब, दैट्स नॉट व्हाट आई मीन टू से। देखिए, जहां तक दिस फेयर जस्टिस मीटिंग इज कंसर्न्ड, जो लोग ये देख रहे हैं शायद वो जानते हो या ना जानते हो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, इट माइट नॉट बी एन ऑफिशियल चीज, लेकिन यहाँ पे इट इज अ प्लेस जहां पे काफी पावरफुल लोग इकट्ठा होते हैं, एंड देर इज समथिंग कॉल्ड नेटवर्किंग ऑन द साइड लाइन। ये एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अनऑफिशियल मीटिंग्स कर सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं, आप अपना मौकफ सामने पेश कर सकते हैं। सो इन दैट आई एम श्योर वी आर एक्सपेक्टिंग कि देर विल बी अदर पीपल हु आर ऑफ प्रोमिनेंस प्रेजेंट देयर, उनसे आप एक सटल तरीके से पाकिस्तान का मौकफ तो बयान कर सकते हैं, और साइड लाइन से वी सीन मिनिस्टर साहब ने ब्रीफिंग्स भी की हुई है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डू यू थिंक? ऑब्जेक्टिव तो यही है जो पाकिस्तान का मैसेज है वो पहुंचाना, और इस वक्त वॉशिंगटन जो है ना पाकिस्तान के मैसेज के लिए नहीं है। आप यहाँ देखें कांग्रेस में जो हियरिंग हो रही है वो काफी
हार्श और नेगेटिव है, जो थिंक टैंक में गुफ्तगु होती है वो हार्श और नेगेटिव है, यूएस मीडिया काफी हार्श और नेगेटिव है, बीच बीच में कोई पॉजिटिव बातें आ जाती हैं, लेकिन ये जैसे मैंने कहा कि ये कोई वन डे या 2020 नहीं है, ये 5 डे मैच है, इसमें आपको अल्टीमेटली जो है ना लंबी गेम है, और उसमें ऐसा नहीं कि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन इसमें वक्त लगेगा, इसमें ये नहीं होगा कि कल, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया जो है वो तुली हुई है, वो पहले मिलिट्री ऑप्शन ट्राई करेगी फिर बातचीत करेगी, अभी वो मिलिट्री ऑपरेशन ऑप्शन के बगैर नहीं आएंगे, वो बहुत मैसिव बॉम्बिंग करेंगे अफगानिस्तान में, वो ड्रोन स्ट्राइक करेंगे पाकिस्तान के कबाली इलाकों में, वो और तरह से प्रेशर डालेंगे, और जब वो प्रेशर काम नहीं करेगा, जो कि नहीं करेगा, इसलिए कि कुछ रदाल ऐसी उस खत्ते की, फिर वो बातचीत की तरफ आएंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच अमित साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आई विल कम बैक टू यू आई साहब, एंड देन ऑब्वियसली वी हैव टू मूव द डिस्कशन फॉरवर्ड। जो लोग शायद ये नहीं जानते, एंड दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू एम्फसाइज ऑन एंड टॉक अबाउट, इस किस्म के जो इवेंट्स होते हैं लाइक द दिस इज एन अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म जहां पे आप लॉबिंग कर सकते हैं, व्हाट वी कॉल्ड सॉफ्ट लॉबिंग, यू कैन पुट योर पॉइंट अक्रॉस, सो आई थिंक इन अ वे इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, अच्छी बात है कि यहां पे एहसन इकबाल साहब गए हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी गए, बिकॉज आई थिंक जब पाकिस्तान की बात आती है, नाउ एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल्सो नो कि जो इस ब्रेकफेस्ट प्रेयर की मीटिंग होती है, इसमें जनरली द पीपल दैट आर प्रेजेंट देयर आर रिपब्लिकन्स, दे आर अ सर्टन माइंड सेट, और इनमें से काफी ट्रंप से भी नाखुश है, तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी है, जितना ये जो ब्रेकफास्ट होता है ना, दे आर अरेंज बाय द लॉबियस्ट, राइट, इसकी जो पीछे पीछे वाली चेयर होती है वो 5,000 की बिकती है, right. डॉलर की, जो आगे वाली है वो 50,000 की होती okay. है, आप कहाँ बैठे हैं, mm-hmm. जो आगे वाली चेयर में वो पैसे ज्यादा देते right. हैं, मतलब अब वहां प्रेसिडेंट आते हैं, ब्रेक सर मैनुअल है, वो आते हैं, एक होटल है 5 स्टार वॉशिंगटन डीसी में, वहां ये होता है, और उसके जितनी वजह से आपके वो जो कॉरिडोर वगैरह में लोग मिलते हैं right. और ये बड़ा अच्छा होता है, लोग जब स्पेशली उनको पाकिस्तान के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं, सिर्फ ये अमेरिकन कंजर्वेटिव रिपब्लिकन है या मॉडरेट है या लिबरल डेमोक्रेट है या जो भी है, उनको पाकिस्तान में तजस्सुस है, पाकिस्तान ऐसी चीज है जिसको वो पजल को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, और जब इनकी एक साइकी है, अगर ये सॉल्व ना कर सकते, ये फ्रस्ट्रेट भी होते हैं और ये वांट टू इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, और फिर सोल्यूशन, आप एवी यू लॉबियस्ट है, यू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर, बिकॉज 19th February जी हसन साहब, आई विल कम टू यू, 19th February को पाकिस्तान के हवाले से, इसीलिए मैंने जो कुछ हफ्ते पहले शो किया, हम लोग पाकिस्तान और अमरीका के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, सर अभी टाइम है, जो ऑफिशियल उनकी पॉलिसी पाकिस्तान के हवाले से आई बिलीव निकलनी है वो 19th को वाजे तौर पर आएगी, तो उससे पहले जितना होमवर्क कर सकते हैं, देखिए एक दफा पॉलिसी आ गई इट्स अ बिट टू लेट, उससे पहले जितना भी आप इंटरेक्शन अनऑफिशियली बिहाइंड द सीन्स व्हाट वी कॉल लॉबिंग इट्स अ वेरी गुड थिंग, आप इसको जो है जो आपने स्टेटमेंट सुनी है मिनिस्टर साहब की इन रिगार्ड्स टू पाकिस्तान रोल ऑन टेररिज्म दहशतगर्दी के खिलाफ, और इसके साथ जो उन्होंने एम्फेसिस दिया है सीपैक के ऊपर इन द ब्रीफिंग, तो उससे आपको नहीं लग रहा एक अच्छा स्टांस लिया है अमेरिका को एक तरफ ये कह के कि प्रेशर विल नॉट वर्क, दूसरी तरफ ये कह के कि देखिए हम लोग सीपैक की वजह से इकोनॉमिकली एक और रुख में चल रहे हैं, या कुछ और इजाफा कर सकते थे आपकी नजर में? देखिए मेरे ख्याल में पहली बात तो यह है कि एक अच्छी बात जो होगी पाकिस्तान यूएस उसमें को पब्लिक डिप्लोमेसी जो है अभी अवॉइड की जा रही है, पाकिस्तान की तरफ से बड़ी हाई रेटरिक्स में जो है ना हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने, इवन जो सिक्योरिटी लोग हैं उन लोगों ने बड़ी स्टेटमेंट पब्लिकली दी, इसी तरह अमरीका की तरफ से प्रेसिडेंट की तरफ से भी ट्वीट आया, टेलरिस्टन की तरफ से भी आया, नेशनल सिक्योरिटी की तरफ से भी आया, तो उसमें माहौल ऐसा लग रहा था जैसे कि वी आर ऑन वॉरिंग पोजिशन पे, और लग भी ऐसा रहा था कि जैसा यूएस जो है ना पाकिस्तान भी कोई मिलिट्री एडवेंचरिज्म या मैस एडवेंचरिज्म जिसे कहते हैं वो करना चाहिए, उन्होंने डिनाई भी किया, अमरीका की तरफ से स्टेटमेंट आया कि नहीं कोई ऐसी चीज नहीं है, यहां पे हमारी जो इंटरेक्शन हुई यूएस डिप्लोमेट्स वगैरह से भी वो भी यही थी कि देखिए सॉरी कि टेंशन है और लेकिन ये भी नहीं है कि इतनी है कि जो है कल वेस्टर्न बॉर्डर पे अमेरिकन फोर्सेस डिप्लाय होंगे और वो क्रॉस बॉर्डर यही ड्रोन शोन जो चलते रहते हैं ये तो हिस्टोरिकल एक है वो चल रहा है और पाकिस्तान की उस पर एक पॉलिसी है कि हम कंडेम करते हैं जब अगर पाकिस्तानी एरिया में अगर क्रॉस द बॉर्डर हो तो ओके यू गो एंड कैच देम। दूसरी बात ये जो
ये जो इस वक्त जो टर्माइल है ये आनी भी थी, आज नहीं तो शायद महीने दो महीने साल बाद। शुरू में जिक्र किया था कि जहाँ पे इंटरेस्ट ही डाइवर्जेंट हो तो वहाँ पे हाउ कैन यू कन्वर्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम ये था कि पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन थे इंस्टीट्यूशनलाइज रिलेशन नहीं थे, ये ट्रांजैक्शनल रिलेशन होते थे। यूएस को प्रोजेक्ट बेचू सीटों और सेंटों का मसला आया, हमने कहा कि लियाकत अली खान या अयूब खान के दौर में, उसके बाद जो है ना बैक डाउन हो जाता है, फिर जो है एक यहाँ पे भी एक डिक्टेटर आ जाता है, फिर उनको दो साल बाद जो है वो जाके अफगानिस्तान में एक प्रोजेक्ट नई प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाली होती है, तो यहाँ पे दो साल 77 में डिक्टेटर आ जाता है, 79 में जो है अफगानिस्तान प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं, फिर वो 10 साल का एक पीरियड चलता रहता है। क्योंकि अमेरिकन मीडिया हम प्ले कर रहे थे उनके लिए एज ए क्लाइंट, आप समझ ले कि एज ए क्लाइंट स्टेट जो थे, अब उनका यहाँ पे सारा तो अब उनका कह रहे, हम कह रहे हैं खुदा को माने हम कोई मर्सनरीज तो नहीं है यहाँ पे। अभी अभी देखिए ये पीरियड तो नहीं है ना, नहीं अभी हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन इतना आसान भी नहीं है। देखिए एक दफा आपने किसी को चस्का दिया ना, वो टास्ट उसको लग गया तो इतना आसानी से नहीं कि आप उसको फिर वाटर टाइट करें। इसके बाद 10 साल का पीरियड आ जाता है जो यहाँ पे डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक वो पीरियड शुरू हो जाता है 88 आनवर्ड या 87 आनवर्ड, पूरे 90 की दहाई, पूरे 90 की दहाई आप ले लेते हो, फिर हमारी और ताल्लुकात जो था ना बिल्कुल यू आर एट द ड्रैगर ड्रॉन, अमेरिका के साथ मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, खतखने लग रही है, फिर जो है ना एक और पीरियड आ जाते हैं 99 में कू हो जाता है, 2000 में एग्जैक्टली 2 साल बाद एक और प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं अफगानिस्तान में, अगेन दे नीड अस, जब हमारे उनको जरूरत होती तो दोबारा वो नॉक द डोर और एंटर हो जाते, बल्कि नॉक द डोर भी नहीं करते, डायरेक्टली दरवाजा खोल के अंदर आ जाते। अभी जो है ना उससे थोड़ा सा हम भी स्टेबलाइज करते, देखिए ये तकरीबन तीसरा गवर्नमेंट होगा इंशाल्लाह, अगर ये रिजीम चेंज हो गई या चेंज होगी या यही आ गए, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। अभी ये जो इससे 7 साल जो है ना वो जो पावर सेंटर्स थे पाकिस्तान में जो कि डिसीजन को मोनोपोलाइज किया हुआ था वो थोड़े से वीक होते जा रहे। इरिटेशन जो सामने भाई ने कहा वो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को जो इरिटेशन हुए वो पाकिस्तान में किसी और किस्म के जो थे डिसीजन के वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहां से हमने कहा वहां से जी हाँ आ गई। अभी यहां पे वो जो डिसीजन का जो पावर था जो जो सेंटर था वो चेंज हो चुका है। डोंट यू आल्सो थिंक हसन साहब के द फैक्ट इज जिसके डिसीजन सेंटर्स जो हैं वो अब एक से मल्टीप्लाई हो चुके हैं, लेकिन ये भी फर्क है कि अगर एक भी अभी डिसीजन सेंटर हो गया हम लोग अपनी माजी से सीख के अब उस वक्त पे पहुंच गए बिकॉज ऑफ एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ चाइना। अभी जिस पोजिशन पे हम लोग हैं चाइना एंड रशिया के साथ हमारे साथ, देखिए वो तो यूएस के हालात में नो no. मैं एक बात बताता हूँ, इस वक्त जो है ना अच्छी बात वो ये है कि इस वक्त जब हम अमरीका के साथ ताल्लुकात ये न्यू जो अगस्त के बाद जो नई स्ट्रेटेजी आई अफगानिस्तान साउथ एशिया के लिए, पाकिस्तान में जो रीजन फॉर द लास्ट फ्यू मंथ जो पॉजिटिव चीज हो रही है वो ये है कि डिसीजन इत्तेफाक से, मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी का है कंसेप्ट आया, कैबिनेट का कंसेप्ट आया, पार्लियामेंट का कंसेप्ट है, तो अभी बैठ के डिसीजन लिया जाते तो उनमें ये नहीं है कि एक बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अभी पार्लियामेंट या गवर्नमेंट इतनी ही रिस्पॉन्सिबल है जितनी ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबल, मे बी आर नॉट आउट ऑफ द गेट। इसी तरह पोलिटिकल लीडरशिप भी तो पहले वो यही समझते थे ना कि अमरीका के साथ हमें तो पता नहीं है तो होता क्या है, डिसीजन कौन लेता, अभी नहीं दे आर ऑन द बोर्ड, सो एवरीबॉडी इज ऑन द बोर्ड। जब एवरीबॉडी इज ऑन द बोर्ड अमरीका के लिए अभी वही जो मनोवरिंग है वो मुश्किल होता जा रहा है, तो अभी इंशाल्लाह ये इंस्टीट्यूशनलाइज होते जाएंगे आज तक, तो उनको भी ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि ये नहीं अभी वो जमाना गया। सीमा साहब प्लीज डू स्टेप इन, मुझे ये कंसेप्चुअली अपने जहन में ये चीज बिठाने में बहुत मुश्किल होती है कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात जो है वो बड़े अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी आ जाती है अफगानिस्तान के ऊपर। मैंने एक बार बार ये कहती हूँ क्योंकि तो अफगानिस्तान उनके लिए भी क्रिटिकल है, हमारे लिए भी क्रिटिकल है, हमारे लिए तो और ज्यादा क्रिटिकल है, और सिर्फ एंड गेम अमरीका का और हमारा बहुत ही मुख्तलिफ है, तो कहां से हम लोग जो है इस फ्रिक्शन को इरेज कर सकते हैं? देखिए पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान अमरीका के तलुकात कभी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं रही, जैसे हसन साहब कह रहे थे ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रहा है, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह कि अफगानिस्तान पे उनके और हमारे इंटरेस्ट कभी भी इकट्ठे नहीं रहे, लगे 15 साल देखे और हम बिल्कुल भी नहीं रहे। अभी वो जो स्टीव कोल ने नई बुक लिखी है तो उसमें भी उन्होंने ये लिखा है कि जी हम सारा टाइम हम करजाई को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, करजाई अमेरिका को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, एंड ही वाज इन बिटवीन सैंडविच बने हुए थे, और हम चाह रहे थे अफगानिस्तान हमारा और जो कभी फ्रेंडली चाहते थे कुछ हमारे हमारी सोच भी मुख्तलिफ थी। अभी हम इस पोजिशन पे आ गए हैं कि अभी जो अफगान अथॉरिटीज है, अफगान गवर्नमेंट है,
जो डायरेक्ट हेड ऑन हो गई है पाकिस्तान को, उनको ये पता कि अमेरिका में जो ओपिनियन है पाकिस्तान के बारे में वो अच्छी नहीं है। जो लॉबिंग इंडियंस कर रहे हैं, अमेरिकन्स कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली पाकिस्तान के खिलाफ है। तो अफगान समझते हैं जब पाकिस्तान को कोई रेस्क्यू नहीं कर रहा तो हम क्यों रेस्क्यू करें। बिकॉज बहुत सारी कांग्रेस बैठ के ये कह रही है भी हम यहाँ पे आ रहे तो जो उसका जो सारा गंदा मलबा पाकिस्तान पे डालना है। तो फिर एक तो ये फैक्टर आ गया, दूसरा उनको पता है उस साइड पे इंडिया इंडिया बड़ी पावरफुल है। पिछले 2001 से लेकर अभी तक $3 अरब आ गया। उत्तर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया कि हम इंडिया का रोल जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी कर रही है और खिते में पैसे डाले। यूरोपियंस भाग गए, यूरोपियंस कहते हैं कि हमारा जो असल मसला है वो तो रिफ्यूजी क्राइसिस है, जो मिडिल ईस्ट में आपने वॉर शुरू की है, हम वो देखेंगे। आप देखो पहले तो अफगान रेफ्यूजी क्राइसिस जो बिगेस्ट क्राइसिस, अब तो जो है वो सीरियन रेफ्यूजी क्राइसिस दुनिया की इंटायर मतलब सोशल फैब्रिक को बेचारों को मतलब अल्लाह तो वो अभी वो कह यूरोपियंस कह रहे थे हम वहां अपना वहां बिजी देखें कि आपकी एक फजूल वॉर में हम ना करें और आपके पास सोल्यूशन भी नहीं है। तो एक अभी तो फॉर एग्जाम्पल नहीं हुई, अभी जो रैंड पॉल है जो डिप्टी सेक्रेटरी उन्होंने जो सेनेट में अपनी उन्होंने चार की पिलर्स दी है। वो कहते हैं जी हम अफगान फोर्सेज को एम्पावर करेंगे, पता नहीं कब एम्पावर करेंगे और क्या एम्पावर करेंगे। हम रीजनल रीअलाइनमेंट चाहते हैं, तो रीजनल रीअलाइनमेंट में वो किसको इन करना चाह रहे हैं, रीजनल कोलिशन चाहते हैं वो, और रीजनल कोलिशन में इंडिया को इन कर रहे हैं। अब उनको इस बात का अंदाजा है कि पाकिस्तान की क्या सेंसिटिविटीज है। लेकिन सीमा साहब दे हैव बीन पुशिंग, अगर आप जो भी यूएस पॉलिसी अभी आप देखें पिछले कुछ डेकेड में, दे हैव बीन पुशिंग बार बार कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो रिकंसिलिएशन पैक अप, एंड विदाउट डिफाइनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि किन टर्म्स पे किन कंडीशंस पे ये उनका एक फोकल प्वाइंट बना हुआ है। मेरा ख्याल दो चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है, उनको समझ नहीं आ रही है। पहली बात तो ये है कि जो इंडियन लॉबीस्टों के तो अमेरिका में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगले दिन की बात है कि हम कहीं बैठे हुए थे और बात हो रही थी कि एक स्टोरी पाकिस्तान के खिलाफ आई और न्यूयॉर्क टाइम्स में आई। वुड यू बिलीव कि न्यूयॉर्क टाइम्स के 8 एडिटर्स में से जो 4 हैं वे इंडियन अमेरिकन। एक बात, निकी हेली का आप लिंक चेक करें, राजीव शाह जो यूएस एड में बैठे हुए, तो प्वाइंट इज कि वो इस तरह अंदर घुसे हुए हैं अमेरिकन फैब्रिक के, अमेरिकन स्ट्रक्चर के अंदर कि वो बंद हुए दिए तो वो चीजें पुश कर रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं और हमारी इस तरह इन्फ्लुएंस नहीं है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जब पावर ली, आप तो पता है अगस्त में उन्होंने अफगानिस्तान पॉलिसी बनाई, 21 अगस्त को 7 महीने के बाद उन्होंने अफगानिस्तान पाकिस्तान के बारे में बात की। यानी कि आप की इतनी इंपॉर्टेंट वॉर चल रही है और आप 7 महीने का डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमने क्या करना है वहां पे। ऊपर से जो प्रॉब्लम यह कि जितने थिंक टैंक्स थे हमारे यहाँ पे कमजोरी रही है कि जितने थिंक टैंक्स स्टेट डिपार्टमेंट पेंटागन और व्हाइट हाउस में लॉबिंग कर रहे थे, वो इतना पेपर आ रहा था, इतनी मार्केट की बुक्स आ रही थी, इतना लिटरेचर आ रहा था, उसने इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। और प्लस सबसे बड़ी जो चीज हुई कि व्हाइट हाउस को जो कंट्रोल कर लिया वो जनरल्स ने कर लिया। ट्रंप का जो रोमांस है अमेरिकन मिलिट्री के साथ वो इस तरह का था कि उसने जितने भी अपने चीफ ऑफ स्टाफ या स्ट्रेटेजिस्ट या जो भी लोग रखे वो ज्यादातर फौजी थे। अभी कहानी है कि वो चाहते हैं कि परेड हो इन वॉशिंगटन, हाँ बिल्कुल, अरब परेड से तो मैंने कभी नॉर्थ कोरिया में इस तरह की परेड होती है। एक तो ये पॉइंट है कि अब मजे की बात है जो आप कह रही है हम इकट्ठे कैसे हो सकते हैं, हम अफगानिस्तान में इकट्ठे हो सकते हैं अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट डिपार्टमेंट को रोल दे। पॉइंट ये है कि इस वक्त पेंटागन इतना इन्फ्लुएंशियल है व्हाइट हाउस में कि स्टेट डिपार्टमेंट को रोल दे ताकि निगोशिएशन पे आए, टेबल पे बैठे, टॉक्स करें, डिस्कशन करें। भाई वहां पे आप तालिबान से लड़ रहे थे, अब तो आईएस से लड़ना पड़ रहा है जी, अब हम किससे लड़े। अब पाकिस्तान अपना बॉर्डर सिक्योर, आपको पता है पिछले 2 साल से हमेशा पाकिस्तान ने अपने पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर 67 अरब रुपए अपने फंड से लगाए हैं, उसमें आपको एरियल डिफेंस करना पड़ रहा है। लेकिन अच्छी बात हो रहा है ना, ये पैसे तो उनकी तरफ जाना चाहिए था भाई, आप एक बॉर्डर क्यों आपको देंगे। जो भी प्रॉब्लम है हम ये हम अपनी साइड पे 2400-2500 किलोमीटर आपको बॉर्डर है, 2600 हम इसको इतना हमारे रिसोर्सेज की पहली कमी है। हमें आज तक ये बॉर्डर सिक्योर करके देश के एक स्टेट जो 60% टेरिटरी अपनी कंट्रोल नहीं कर सकती और हमें कहती है कि हमारा राह कोई बॉर्डर पे झगड़ा है, मतलब आप अपने घर कंट्रोल नहीं कर सकते और हमारे बॉर्डर पे आप जो बैठ के कहते हैं जी हाँ हमें ये बॉर्डर नहीं मंजूर। तो देखिए यहां पर बहुत सारी चीजें हैं और ये जो अफगान एडमिनिस्ट्रेशन है, अफगान एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा प्रेस करना चाहिए। अमरीका को क्या समझ अब नहीं आ रहा है, मुझे देखते हो जाना अमरीका को अब ये समझ आ जाना चाहिए, और अफगानियों को भी समझ आ जाना चाहिए कि यहां पर रशिया का इन्फ्लुएंस आ रहा है अफगानिस्तान में, इसलिए आ रहा है
रशिया तो तालिबान से कोई वो नहीं है, रशिया कह रहा है कि आईसीएस का उनको जो इश्यू आ रहा है दे गोइंग इन, चाइना इज सेइंग बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजन दे वांट दिस कॉरिडोर दे वन बेल्ट वन रोड सेइंग वो करना चाह रहे हैं, तो ये मुल्क चुपचाप नहीं बैठेंगे, दे वांट टू गो टू द सॉल्यूशन। तो द क्रिटिकल